हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं हेमंत कुमार पांडे, बीरा एकेडमी कोचिंग सेंटर करौदी कला सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं ग्रामर का अगला टॉपिक आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब तक हो गया है। ठीक, चलिए हम एडवर्ब से चालू करते हैं। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण डिफिनेशन होती है, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड समथिंग मोर अबाउट वर्ड्स। ठीक, एन एडवर्ब इज ए वर्ड समथिंग मोर अबाउट वर्ड्स, मतलब एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो वर्ड वर्ब के विषय में बताता है। वर्ब, ठीक, यहाँ वर्ब होगा, सॉरी वर्ब। इसके बाद आते हैं अगला प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक। ठीक, प्रीपोजिशन में संबंध सूचक। ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच रिलेशनशिप बिटवीन नाउन आर प्रोनाउन, मतलब संबंध सूचक। संबंध सूचक मतलब होता है जो संबंध बताता है। जैसे प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को बताता है। ठीक, अगला आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन में होता है संयोजक। संयोजक संयोजक मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे ए कंजक्शन इज द ज्वाइनिंग वर्ड। जो कंजक्शन संयोजक वह होता है जो शब्दों को जोड़ता है। ठीक, इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादिबोधक, मतलब जिसमें कोई विस्मय हो। जैसे एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक वह शब्द होता है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं सडन फीलिंग एंड इमोशन। जैसे कोई इमोशन हो या कोई फीलिंग हो, कोई जैसे दुख, उसको हम व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादिबोधक, जैसे ओ गॉड सो ग्रेट, इस प्रकार। ठीक, तो अगर शायद आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला अगला जो वीडियो होगा आपको देखने को जल्द ही शीघ्र ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।